आधारगढ़ जन सेवा केंद्र से गायब हुआ आधार कार्ड बनाना तो जनपद के कुछ चिन्हित बैंकों में जारी हुआ फरमान आधार कार्ड बनाने का। बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से पब्लिक को दर दर भटकना पड़ रहा है। आधार कार्ड बनवाने के लिए बैंक के कर्मचारी करते हैं मनमानी। 200 से लेकर 500 तक आधार कार्ड बनाने के लिए लिया जा रहा है, जबकि भारत सरकार ने पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड को दिए है वरीयता। आधार कार्ड के बिना कोई भी योजना का लाभ अभी नहीं मिल पा रहा। इसी तरह रानीगंज अजगरा ग्रामीण बैंक में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। आधार कार्ड बनवाने के नाम पर जमकर की जा रही धन उगाही। सुबह से लेकर शाम तक लोग लाइन में लगे रहते हैं, तब भी नहीं बन पाता आधार कार्ड। लाभार्थियों का आरोप है कि जो भी व्यक्ति पैसा देता है उसी का बनता है, बाकी लोगों को बताया जाता है बैंक द्वारा कभी सर्वर फेल है, कभी तकनीकी खराबी है। ये बताकर बैंक कर्मचारी जनता को कर रहे गुमराह, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। आपकी जो प्रधानमंत्री ने जो कुछ चिन्हित बैंकों को जो है जिम्मेदारी दिया है आधार कार्ड बनाने का, बैंक आधार कार्ड सही ढंग से बना नहीं देंगे? वो बिल्कुल नहीं पता, कहीं नहीं पता, हमारे किया जाए फिलहाल तक भी नहीं पता। कौन सी बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। कितनी दूर है जो आए हैं आप? 35 किलोमीटर कम से कम। कौन सी बैंक है? कौन सी बैंक? कौन सी बैंक है भैया? क्षेत्र ग्रामीण बैंक है। ग्राम बैंक अजगरा। कौन सी बैंक है? अजगरा अजगरा रानी। क्या आप लोगों का आधार कार्ड क्यों नहीं बन रहा, क्या कहते हैं? कहते कि खराब आई, खराब आई, खराब आई, जा पड़ता कर यहाँ जाऊँगा। कितना पैसा मांगते? 500 मांगते हैं, 200 मांगते हैं, ऐसे मांगते हैं। कितने दिन से आप दौड़ रहे हैं? 15 वर्ष से दौड़ रहे हैं। बनाना यहाँ होता है सगरा सुंदरपुर से। आपका आधार कार्ड बना? सर आधार, कुछ लोगों का आरोप है कि आधार कार्ड कई दिन से भटक रहे हैं, आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, क्या है मामला? सर डेली बनते हैं, जो आ जाते हैं उनको बन जाता है। कुछ महिलाओं का आरोप है कि 500 रुपए से लेकर 200 रुपए तक लिया जाता है आधार कार्ड बनाने में। ऐसा मेरी ब्रांच पे कुछ नहीं है, जो कहते हैं उनको सामने नहीं है। सर क्या नाम है, किस पद पर है आप? मैं गिरीश श्रीवास्तव।